सो हे गाइस, आज मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए एक जबरदस्त चीज है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चेक दिस आउट, देखो ये क्या है चीज। ये आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं, जबरदस्त चीज है। मतलब इससे अगर जहां मैं अपने मतलब इसको अगर मैं ढक लूं अपने आप को इससे, तो क्या हो जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा। ढक के दिखाता हूँ, एक सेकेंड इसको ढक लेता हूँ अपने आप। और जैसे ही मैं ढक लूंगा अपने आप को, मैं हो जाऊंगा गायब। तो देख सकते हो मैं यहीं हूँ, और ढका होगा तो जरूर गायब हो जाएगा। और जैसे ही मैं हटाऊंगा, देखो वापस आ गया। और ये काफ़ी काम का चीज़ है, तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। सो हे व्हाट्सअप पब्लिक, कैसे हैं आप सभी। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो अभी आपने देखा वो अच्छा लगा। आप लोगों ने ऐसा इफेक्ट कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, हो सकता है सीरियल्स में, कोई मूवीज में, या फिर कोई वेब सीरीज में कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा इस टाइप का इफेक्ट। कि कोई ऐसा इनविजिबल चीज होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चादर को यूज़ किया तो उसको, और उसको जैसे ही पहन लेता है फिर ओढ़ लेता है, तो वो मतलब गायब हो जाता है। जो भी सब्जेक्ट है, जो भी हीरो है, वो गायब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी इफेक्ट को क्रिएट करने वाले। सबसे इंटरेस्टिंग बात, सारा चीज़ हम फोन से करेंगे, घर बैठे आप कर सकते हो। इसमें कोई मतलब बड़ा सा सेटअप बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल है, काफ़ी इजीली ये सारा चीज़ कर सकते हो, घर में कर सकते हो, और क्या चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अब यार मैं ये क्या देख रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखते हो और लाइक भी कर देते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब जल्दी से करो और सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ाओ। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जिसमें कि हम इसको शूट करेंगे, और सेकेंड इसको एडिट करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। चलो फर्स्ट पार्ट में आपको शूट करना है। शूट करते वक्त आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन सी बात। पहला, आप जहाँ पे भी शूट कर रहे हो, पहले तो मतलब ट्राइपॉड पे रखो, जहाँ पे भी शूट कर रहे हो ना, उसका एक खाली बैकग्राउंड जरूर रखना। मतलब कि आप जहाँ पे आप शूट करो, एक बार साइड हो जाओ, और आपका खाली बैकग्राउंड, उसका एक स्क्रीनशॉट हमको चाहिए रहेगा, वो आप पहले लेना। मतलब इसके लिए हमें एक खाली बैकग्राउंड बेसिकली चाहिए। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात ये कि हम जो मतलब कोई चीज़ यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि ये वीडियो देखा तो इसके लिए मैंने एक कपड़ा यूज़ किया था, तो आपको उस कलर का कपड़ा यूज़ करना जो कि आपके शरीर से अलग हो। उस कलर का कपड़ा आपको यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ग्रीन कपड़ा। चलो ओरिजिनल वीडियो आप देख लो। चेक दिस आउट, देखो ये क्या है चीज़। ये आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं, जबरदस्त चीज़ है। मतलब इससे अगर जहाँ मैं अपने मतलब इसको अगर मैं ढक लूँ अपने आप को इससे, तो क्या हो जाऊँगा, गायब हो जाऊँगा। ढक के दिखाता हूँ, एक सेकेंड इसको ढक। तो पहले इस टाइप से आपको वीडियोस को शूट कर लेना है। तो ये हो गया शूट वाला पार्ट, यानी कि रिकॉर्डिंग वाला पार्ट। अब चलिए इसको करते हैं एडिट। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इसके लिए काइन मास्टर का प्रो वाला एप्लीकेशन चाहिए रहेगा। नहीं है आपके पास, क्या नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, आईडी ये दिख रही होगी। मतलब आपको आना है और यहाँ पर DM करना, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप परचेज भी कर सकते हो। आपके पास काइन मास्टर जैसे आ जाए, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको आगे का प्रोसेस अब बताता हूँ। जैसे ही काइन मास्टर आप लोगों के पास आ जाए, आपको सिंपली क्या करना है, उसको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद, हाँ तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ओपन हो जाए, उसके बाद आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है, 16:9 नेक्स्ट कर देना आपको। और उसके बाद आपको जो भी वीडियो आपने जो भी किया है रिकॉर्ड, उसको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कर लेना है इंपोर्ट। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये वीडियो आ गए यहाँ पे। और आपको वो वाला पार्ट लेना है, चलिए दिखाता हूँ मैं वो वाला पार्ट जहाँ पे हमने बैकग्राउंड को खाली रखा था। देखो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक खाली बैकग्राउंड छोड़ दिया था, मुझे पता था मुझे यूज़ करना है इसलिए। और इसके बाद इस पे जाना है और यहाँ पे कैप्चर एंड सेव कर देना, और ये सेव हो जाएगा आपको सिंपली। उसके बाद सिंपल सा स्टेप क्या करना है कि आपको आगे चले जाना और मीडिया पे जाना, और कैप्चर पे जाके यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड, इसको इम्पोर्ट कर लेना, इसको बढ़ा लेना। और ये जो वीडियो है जो कि आपने शूट किया, उसको इस पे टैप करना वीडियो पे, और ऊपर 3 डॉट दिखेगा, इसको डुप्लीकेट एज लेयर करना, इसको लेयर मतलब बनाना है हमको बेसिकली। और सिंपली इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको इसके बराबर लेना और पहले वाला वीडियो को डिलीट कर देना, ठीक है, हो गया बात। और ये जो आपका जो ऊपर वाला लेयर जो हमने ऐड किया, उसको आप फुल स्क्रीन कर दो ताकि ये मैच हो जाए। जैसे आपका हो जाए, आप अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो ग्रीन स्क्रीन जो मतलब ग्रीन जो हमने यूज़ किया कपड़ा, उसे हमको हटाना है। तो कैसे हटाना है, सिंपल यहाँ पे क्रोमा की दिख रहा होगा इस पर, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे स्क्रॉल करना, क्रोमा की दिख रहा है, इस पर क्लिक करना, और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का सेलेक्ट कर लेना। देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ग्रीन कलर, जो भी आपका कपड़ा हो
उस कपड़ा सेलेक्ट कर लेना और इसको हल्का सा माइनस प्लस करके चेक करना और आपको कुछ इस टाइप से इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं ये इफ़ेक्ट मिलने लगा। आपको कलर हल्का सा चेंज करके चेक करना कि आपका कलर कौन सा मैच होना चाहिए, तो आपका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट निकल के आएगा। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओढ़ा और ये गायब। तो इस तरह से आपको सिंपली करना है, अच्छे से करना, मतलब अपने टाइम लेक करना। मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो आपका काफ़ी इजीली से काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। देख सकते हो आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिल रहा है अभी भी, और इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे ही आपका एडिट हो जाए ये वीडियो, बस इतना तो हो गया। म्यूज़िक जो ऐड करना है कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला बटन, इस पर क्लिक करना और सेव कर देना, एक्सपोर्ट कर देना, ये आपका हो जाएगा काम इससे। बाकी इसके बाद आप चाहे तो कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो, जो आपको करना है कर सकते हो, आपको जो बेहतर लगे। और जैसे ही ये वीडियो बन जाए बस हो गया काम, आप जो आपको जहाँ शेयर करना है कर सकते हो। तो बस ये था वीडियो, आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं फिर से याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो देखते हो लाइक भी कर देते हो, लाइक वैसे नहीं किया तो कर देना, लाइक भी कर देते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ थोड़ा सब्सक्राइबर जल्दी से। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, चलो बिल्कुल आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल ये रहा, काइन मास्टर चाहिए तो आ जाना, DM करना, मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।